वेंकटनाथार्य कविताार्की केसरी वेदांताचार्यवर्यमे श्रीदत्तांसदाहृदि ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वंदे वेदांतदेशिकं। श्रीराजराजेश्वर भगवान सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की जय। जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य महाराज की जय। सब संतन की जय। सबसे निवेदन है कि रामानुज दया कांचीपुरी उनके सौजन्य में ब्रह्मोत्सव सुग्रीव किला में हो रहा है। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुकुट समान, मुकुट में शिरोमणि के समान अप्रैल 8 तारीख को जिस पावन पर्व में आर्द्रा नक्षत्र भी हैं, श्री वेदांत देशिक तथा श्री रामानुजाचार्य का मंगलाशासन श्री राम जन्मभूमि में हुआ है। यह न भूतो न भविष्यति। पांच सौ वर्ष के बाद हम सुनते हैं कि इस तरह एक मंगलाशासन हुआ है। ये वैभव साक्षात जगद्गुरु रामानुजाचार्य वैकुंठवासी त्रिपाद विभूति प्राप्त श्री पुरुषोत्तमाचार्य महाराज का ही संकल्प है, उनका ही कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब वेदांत देव जी का श्री विग्रह उनका 750वां जयंती महोत्सव में अयोध्या पधारे, उस समय जगद्गुरु रामानुजाचार्य से पुरुषोत्तमाचार्य जी ने कहा, हर एक शिष्य का लक्षण है, प्रत्येक शिष्य का लक्षण है आचार्य के ओर चलें और उनका चरण रज प्राप्त करें, लेकिन इस दास पर कृपा करके श्री वेदांत देशिक जी महाराज धूप फूल से पधार रहे हैं, वहाँ से यहाँ पधारें, ये तो पंगोर परी गंगा प्रवाह के समान, इतना कृपा है दाक्षिणात्य पंडितों के साथ विद्वानों के साथ श्री वेदांत जी यहाँ पधार कर सुग्रीव किला में दास पर असीम कृपा कटाक्ष बरसा रहे हैं। ये तो आचार्य का कृपा कटाक्ष मात्र से ही लभ्य है और दास का निश्चित निर्णय है और दास का अभिप्राय निस्संदेह है कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मंदिर के मामले में उनका निर्णय संतों की तरफ ही होगा, अपने पक्ष में ही होगा, मंदिर हमें अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दास तब तक जीवित रहूंगा कि नहीं, ये भगवत संकल्प है। ये महान संत का शब्द के अनुसार, उनके सत्य संकल्प के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट ये मंदिर साक्षात राम जन्मभूमि अपने पक्ष में उन्होंने
संत के कृपा से, संतों की तपस्या की फलीभूत राम जन्मभूमि हमें मिला है, हिंदुओं के पक्ष में मिला है, सभी सनातनी धर्म धर्मियों के पक्ष में मिला है। और स्वामी जी वैकुंठ त्रिपाद विभूति प्राप्त होने के बाद ही ये निर्णय, ये फैसला सुनाया गया। और स्वामी जी का इच्छा यह थी कि वेदांत देशिक जी और श्री रामानुजाचार्य उनके अर्चा रूप में इस राम जन्मभूमि क्षेत्र पवित्र भूमि का मंगलाशासन हो जाए तथा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद श्री राम मंदिर में इन दोनों का भी अर्चा विग्रह प्रतिष्ठित हो जाए। ये तो अवश्य होगा ही, क्योंकि मंगलाशासन विशेष रूप से 8 अप्रैल को आर्द्रा नक्षत्र में चैत्र आर्द्रा तो रामानुजाचार्य का जयंती है। इस पावन पर्व में रामानुजाचार्य का अंश, यतीन्द्रांशो अथवा वेंकटेशावतारो, साक्षात कलयुग भगवान वेंकटेशावतार और रामानुजाचार्य के अवतार से वेदांत देश जी का मंगलाशासन विशेष रूप से इस पावन दिन में हुआ था। और जब संत लोग, भक्त लोग तपस्या बहुत प्रयास करते हैं, हम लोग करते रहे, रामानुज दया ये संस्था, कांचीपुरी के संस्था प्रयास करते रहे, विशेष रूप से श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज बहुत प्रयास किए। कई वर्षों के बाद अचानक इस दिन 8 अप्रैल 2022 में शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष से, आचार्यों के कटाक्ष से अचानक प्राप्त हुआ। जब ये भाग, किसी भी भाग अचानक प्राप्त होने से वो तो साक्षात भगवान का ही कृपा होता है। और ये राम जी का ही कृपा है। राम जी तो सब लोग जानते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, लेकिन वेदांत जी कहते करुणा का कुत्स्त, करुणा स्वरूप है अपना राम जी। और हमें आदेश मिला था कि केवल दो ही व्यक्ति जा सकते हैं राम जन्मभूमि में इस समय, वेदांत जी और रामानुजाचार्य के साथ। लेकिन दक्षिण से आए हुए सभी 150 भक्तों की अभिलाषा यही ही थी कि वेदांत जी का मंगलासन जब होगा उस क्षण हम वहाँ रहें, उस स्थान पे रहें। ठाकुर जी तो द्वितीय पक्ष हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रथम पक्ष वंदनीय साक्षात आचार्य ही तो हैं, और जगदाचार्य और कौन करुणा रूप, दया स्वरूप वेदांत देशिक जी के साथ उस मंगलाशासन समय में वहाँ रहकर दोनों का कृपा प्राप्त होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग ने प्रयास किया, 150 लोग वहाँ थे, भक्त लोग थे। जब वेदांत देव जी का श्री विग्रह पधारे, तुरंत सादर पूर्वक उनका गौरव, उनका विशेष रूप से आदर पूर्वक उनका सम्मान हुआ। और उसी समय महावीर वैभव और रघुवीर गति का पारायण हुआ, पाठ हुआ। ये मंगलाशासन के बाद लौटने के बाद तुरंत विशेष रूप से उनका सम्मान किया गया मंदिर की तरफ से। और शुक्रवार का दिन, महालक्ष्मी जी का दिन, ये विशेष वैभव उत्सव रामानुज दया के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। रामानुज दया पात्र वेदांत देशी जी की कृपा से ही यह संपन्न हुआ।
और यही ही मुकुटमणि है रामानुजाध्याय के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि वेदांत जी की कृपा से शीघ्र ही राम मंदिर का निर्माण पूर्ति हो जाए और वेदांत जी और रामानुजाचार्य का भी अर्चा विग्रह प्रतिष्ठा हो जाए। इस विशेष वैभव के लिए हम जगतगुरु रामानुजाचार्य शैलेश प्रपन्नाचार्य जी तथा उनके उत्तराधिकारी श्री अश्विन जी तथा उनके आश्रम परिकर और सरकारी जो भी भक्तगण सब लोगों को रामानुज दया के द्वारा रामानुज दया के दास रामानुज दया पात्र के दास अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। सादर प्रणाम पूर्वक दंडवत प्रणाम पूर्वक उनको अभिनंदन। जय जय श्री सुदर्शना मुकुंद दास रामानुज दया के सदस्य। जय जय श्री सुदर्शना।